हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी, चाहे वो सेट का एग्जाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, इन सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक आपका कवर होगा। तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे से एलैबोरेटेड वे में बताया हुआ है, एक वीडियो मैं यहाँ पर दे रही हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी उसके अलावा जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो देखिए, इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें कि आखिर में इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड, जिसको हम टीचर सेंटर्ड बोलते हैं, वो और लर्नर सेंटर्ड में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड वो एजुकेशन होता है, वो टीचिंग मेथड होता है जहाँ पर जो टीचर होता है वो सेंटर होता है, ठीक है। वहाँ पर हमारा जो जितना भी टीचिंग होगा उसका जो सेंटर होगा ना, सारा ध्यान जो होगा वो इंस्ट्रक्टर पे होगा। और लर्नर सेंटर्ड पे जो ये पूरी टीचिंग होती है, इसका पूरा ध्यान होता है लर्नर के ऊपर, ठीक है। इसीलिए इसको इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड बोलते हैं। अब इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जहाँ, जैसे मैंने बोला कि फोकस क्या होता है, इंस्ट्रक्टर के ऊपर होता है। लर्नर में क्या होता है, फोकस होता है लर्नर के ऊपर। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, 10 की डिफरेंसेस यहाँ पर मैंने दिए हैं, सारे ही पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है, नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू लर्नर। इंस्ट्रक्टर मतलब कि जो आपका टीचर होता है वो लर्नर को नॉलेज देता है। तो मतलब इसका फ्लो जो नॉलेज का होगा वो कैसा होगा, इंस्ट्रक्टर से लर्नर की तरफ होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो नॉलेज होती है वो गैदर करती है एंड एनालाइज किया जाता है, किसके द्वारा, लर्नर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसका फ्लो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसे सर्कुलर होगा, क्योंकि ये लर्नर के ही आसपास घूमेगा, ठीक है। लर्नर्स खुद से इसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, इंस्ट्रक्टर टॉक्स वाइल लर्नर पैसिवली लिसन्स। यहाँ पर क्या होता है, इंस्ट्रक्टर सिर्फ बोलता है और लर्नर क्या करता है, वो सुनता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर टीच कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं। तो ये किस तरीके की टीचिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपके मोस्टली इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड है। अभी इसी में अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं और वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर आप अटेम्प्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, वहाँ पे आपका जो टीचिंग हो गया वो लर्नर सेंटर्ड हो गया, ठीक है। अब लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, लर्नर इंटरेक्ट्स विद इंस्ट्रक्टर एंड ईच अदर। अगर आप चार्ट करते हैं, अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, आप अगर जो फीडबैक प्रॉपर देते हैं, तो वो कैसी टीचिंग हो जाती है, वो आपकी लर्नर सेंटर्ड टीचिंग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लर्नर्स पैसिवली रिसीव्स इन्फॉर्मेशन। पैसिवली क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए टीचिंग में क्या होता है, जब हम लर्नर सेंटर्ड टीचिंग करते हैं तो वहाँ पर तो लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो खुद टीचिंग कर रहे होते हैं, वो खुद उस चीज़ को करके देखते हैं, ठीक है, वो हैंड्स ऑन करके देखते हैं। बट अगर हम इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको अप्लाई करके नहीं देखते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको पैसिवली बोला जाता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड को, और लर्नर सेंटर्ड को एक्टिवली बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड क्या होता है, यहाँ पर लर्नर अकेले काम करता है। यहाँ पर जब आप मान लीजिए आप किसी को लेक्चर दे रहे हैं, तो हर कोई बंदा, हर कोई पर्सन, हर कोई स्टूडेंट अकेले अकेले पढ़ रहा है, ठीक है। और लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, टीम्स बनाई जाती हैं, पेयर्स बनाए जाते हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टडी करते हैं। इस तरीके की स्टडी को हम लर्नर सेंटर्ड स्टडी बोलते हैं। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जहाँ पर ग्रुप में स्टडी हो रही है, दो स्टूडेंट आपस में पढ़ रहे हैं, तो ये कैसी लर्निंग है, तो ये ऑफकोर्स ये लर्नर सेंटर्ड है। और मान लीजिए इससे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या है, जो टीचर है वो एजुकेशन दे रहा है, स्टूडेंट एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसी लर्निंग क्या होगी, वो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड या फिर टीचर सेंटर्ड होगी। कल्चर की अगर हम बात करें, तो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड जो कल्चर होता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। क्यों कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि हर कोई अकेले अकेले काम कर रहा होता है, तो सबके अंदर एक मतलब एक होड़ होती है कि कौन आगे निकल पाएगा, ठीक है। सबके अंदर ये थिंकिंग होती है, ये मेंटालिटी होती है कि हमें एक दूसरे से कम्पीट करना है अगर हमें आगे निकलना है तो। और ये जो होती है लर्नर सेंटर्ड, यहाँ पर क्या होता है, जब हम ग्रुप में काम करते हैं, जब हम पेयर्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो जीत होती है वो दूसरे की जीत के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दूसरा जीतेगा, हमारा टीम वाला जीतेगा, तो ही हम जीतेंगे। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और सपोर्टिव बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड। इंस्ट्रक्टर रिस्ट्रेन
कन्वर्सेशन। यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्सेशन नहीं होती है, फीडबैक नहीं होता है, और यहाँ पर जो जो टीचर होता है सिर्फ वो बोलता है, स्टूडेंट्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं अपना फीडबैक देते हैं। लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, लर्नर्स को एनकरेज किया जाता है इंगेज करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, डिबेट पूछने के लिए और डिबेट करने के लिए और आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, प्लस यहाँ पर फीडबैक भी ऐड कर लीजिए और फीडबैक देने के लिए, ठीक है, फीडबैक भी ऐड करना मत भूलिएगा। इसके बाद आपका आता है इंस्ट्रक्टर आंसर्स लर्नर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है, इंस्ट्रक्टर लर्नर क्वेश्चन को आंसर कर देता है, ठीक है। मान लीजिए सेशन ख़त्म हुआ, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि सेशन ख़त्म हो गया, अब आपको कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस अपने। तो ऐसे में क्या होता है, इंस्ट्रक्टर क्या करता है, लर्नर को अपने उनके क्वेश्चन का जवाब दे देता है। और जब लर्नर सेंटर्ड लर्निंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक दूसरे के क्वेश्चंस को जवाब देते हैं। जैसे चैट्स में मोस्टली होता है कि आप लोग एक दूसरे के क्वेश्चंस को जवाब देते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड में क्या होता है, एम्फेसाइज क्या होता है, राइट आंसर्स पे एम्फेसाइज होता है, ठीक है। जो राइट आंसर्स होते हैं वो हमें जो टीचर होता है वो बता देता है कि ये राइट आंसर है। बट अगर लर्नर सेंटर्ड हम लर्निंग की बात करें तो वहाँ पर हमें, मतलब स्टूडेंट्स को, आंसर्स को निकालना पड़ता है। वो एरर, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आंसर्स को निकालते हैं, वो लर्न करते हैं बेटर क्वेश्चंस बनाना और उन क्वेश्चन से खुद से आंसर्स को निकालना कि किस तरीके से क्वेश्चंस से हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, यही सिखाते हैं लर्नर सेंटर्ड में। असेसमेंट इज़ यूज टू मॉनिटर लर्निंग। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड में क्या होता है, असेसमेंट यूज़ की जाती है ताकि ये पता चल पाए कि आपकी लर्निंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। एंड लर्नर सेंटर्ड में असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्रमोट कर सकें और स्टूडेंट्स को और ज़्यादा लर्निंग के तरफ और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। मतलब उनका असेसमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि आगे उनके अंदर और ज़्यादा सीखने की चाह बढ़े, वो और ज़्यादा सीखना चाहें, उनकी और ज़्यादा लर्निंग हो और उसके साथ उनका जो लर्निंग हुआ है उसको हम और ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ और डायग्नोज कर पाएँ। ये हमारा पर्पस होता है लर्नर सेंटर्ड का। एक और मैंने यहाँ पर pedia.com से लिया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही रेफरेंस दिया हुआ है, बस कुछ डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज एन अप्रोच दैट एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्प्लीटली फोकस ऑन देयर एजुकेशन, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज अप्रोच वेयर बोथ द एजुकेटर एंड द स्टूडेंट शेयर्स एन इक्वल फोकस। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप इसको भी रीड कर लें। यहाँ पे क्या होता है, टीचर सेंटर्ड में फोकस किस पे होता है, एजुकेटर पे होता है। यहाँ पे दोनों पे फोकस होता है, यहाँ पे देखिए दोनों पे इसमें दिया हुआ है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको कहीं ये बोला हुआ है कि दोनों पे फोकस होते हैं तो भी ये मानिएगा कि लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब लर्नर सेंटर पर हमें ये पता है कि लर्नर के ऊपर फोकस होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कहाँ पर फोकस एजुकेटर पे होता है और कहाँ पे फोकस दोनों पे होता है, तो इसका मतलब भी आपका लर्नर सेंटर्ड ही होगा। क्योंकि देखिए डिफरेंट टाइप के रिसर्चर्स रहे हैं, डिफरेंट तरह के लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज दी है। कुछ मानते हैं कि लर्नर सेंटर्ड क्या है, सिर्फ लर्नर पे फोकस करता है, और कुछ ये भी मानते हैं कि नहीं, लर्नर सेंटर्ड जो है वो दोनों पे करता है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों की अपनी थिंकिंग हो सकती है, अपनी एजुकेशन, जो भी एजुकेटर्स हैं उनके अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैंने ये दोनों जो पिक्चर्स हैं ये दोनों इंक्लूड किए हैं ताकि आपको अगर क्वेश्चंस को मोड़ कर भी पूछा जाए तो भी आप आंसर कर पाएं। देखिए आगे बढ़ते हैं, एजुकेटर टॉक्स एंड स्टूडेंट कंटिन्यूज टू लिसन एंड रिमेन साइलेंट, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो चुप रहता है और वो एजुकेटर के बोलने का इंतज़ार करता है। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी। देखिए टीचर सेंटर्ड अच्छा है या लर्नर सेंटर्ड अच्छा है, हम किसी एक को चूज़ नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप किस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी एजुकेशन है जहाँ पर सिर्फ आपको सुनने की ज़रूरत है, सिर्फ जानने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन या प्रैक्टिकल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसे सिचुएशन में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अच्छी होगी। और कोई ऐसी एजुकेशन है जहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल देखने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर लर्नर सेंटर्ड जो टीचिंग होगी वो अच्छी होगी, वो बेटर होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसी को बहुत अच्छा नहीं बोल सकते या किसी को ख़राब नहीं बोल सकते। ये अच्छी होगी या ख़राब होगी वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हमें किस तरीके की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पे ही ये अच्छी या बुरी होगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट एंड टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन इज एनकरेज्ड। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन होते हैं, तो कोलैबोरेशन का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि लर्नर सेंटर्ड में होगा, टीचर सेंटर्ड में कोलैबोरेशन नहीं होता है, ठीक है। प्रिवेंट्स लर्नर फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड डिस्करेजिंग देम फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस एंड लॉजिकल इंगेजमेंट इन द सेल्फ लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ लर्निंग नहीं होती है, लॉजिकल इंगेजमेंट नहीं होता है, इसमें इसको डिस्करेज किया जाता है।
लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, गिव्स लर्नर्स द फ्रीडम टू एक्वायर नॉलेज इंडिपेंडेंटली एंड लॉजिकली बाय आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस आस्क करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि उनके उनकी जो थिंकिंग है, जो नॉलेज है, वो इंडिपेंडेंटली वो एक्वायर कर सकें और लॉजिकली उसको सीख सकें। क्लासरूम्स यूजली हैव अ स्ट्रिक्ट एंड ऑर्डरली नेचर, क्लासरूम्स हैव ऑफन गट कायोटिक एंड नॉइजी। तो ये भी है, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कम होगा स्टूडेंट्स का, वहाँ पे ऑफ कोर्स वो बहुत ही डिसिप्लिन होगा क्लासरूम, और जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, जहाँ पे लर्नर सेंटर्ड होगा, वो कायोटिक एंड कोयोस वहाँ पे हो सकता है, नॉइज भी वहाँ पे हो सकती है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर दिया है इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है, इसको रीड कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चंस बन के आपके आएंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर एक वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो को चेक कर लीजिए, उसको रीड कर लीजिए, यहाँ पे आपको आ जाएगी वो वीडियो, इस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा, और यहाँ पे कार्ड में भी आपको दिख जाएगी जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, वो टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड के बीच में डिफरेंस उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।